हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल कंपैरिजन लेकर आया हूँ। अगर किसी को भी क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला फ़ोन चाहिए हो तो यहाँ पर ये दो फ़ोन जो है बहुत अमेजिंग है। एक है मेरे पास पिक्सल 7 जो कि 60,000 रुपये का आता है, और ये है मोटरोला H30 अल्ट्रा, ये भी 60,000 रुपये का है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों फ़ोन पर अगर आज के टाइम पर आप ऑफर्स लगाते हो तो 52,000 रुपीज़ के आसपास इनको खरीद सकते हो। तो आज की वीडियो की इंटेंशन बड़ी सिंपल सी है कि मैं आप लोग को क्लियर आंसर बताऊँ कि आपके लिए कौन सा फ़ोन ज़्यादा। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करते हैं। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूं कि ये जो Moto Edge Ultra है ना, थोड़ा सा बड़ा है अगर Pixel 7 के कंपैरिजन में जाऊं। और दोनों जो है एक तरीके से रिवर्स है, क्योंकि Pixel 7 जो है शाइनी डिजाइन के साथ आता है, और जो Motorola Edge 30 Ultra है ये जो है पूरी मैट फिनिश के साथ आ रहा है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सा डिजाइन पसंद है। बट एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, जो Pixel 7 है इसका जो फ्रेम है और ये जो कैमरे के अराउंड बार है ये बिल्कुल मोल्ड होकर आपस में जा रही होती है, और ये जो डिजाइन है बिल्कुल सेंसेशनल लगता है। लेकिन Motorola वाला फोन भी पीछे नहीं है, ये जो है कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, और एनी डे वो एक नेक्स्ट लेवल प्रीमियमनेस ऐड करती है उस फोन पे। और मैं दोनों फोन के स्पीकर टेस्ट कर रहा था, मुझे Motorola के स्पीकर ज्यादा लाउड लगे हैं। वैसे अगर आईपी रेटिंग की बात करूं तो बेटर जो है पिक्सल 7 में मिलती है IP68, जबकि Motorola के अंदर IP52 मिलती है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस बताऊं आप लोग को, मैं फिंगरप्रिंट टेस्ट कर रहा था दोनों फोन के, और मेरे को फील हुआ Motorola को चाहे आप हल्का सा भी टच करते हो तो ये बहुत जल्दी खुलता है। नो डाउट ये काफी अच्छा फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अगर मैं पिक्सल 7 की बात करूं तो फ्लैट सर्फेस पे रखा हुआ था मेरा पिक्सल, और मैंने हल्के से फिंगर टच करी और खुला नहीं है। और जनरली जो है पिक्सल फोन से मैंने फील किया कि फिंगरप्रिंट के अराउंड कोई ना तो कोई दिक्कत रहती है, बट अगर आप पिक्सल फोन में अच्छी तरीके से अपनी थंब लगाओगे तो सही वर्क करता है। लेकिन Motorola की भी एक नेगेटिव साइड है। आजकल लोग जो है क्वालिटी कंट्रोल इशू बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं, जैसे कि हमारी यूनिट में मैंने बहुत ध्यान से जब देखा, हल्का सा जो बैक पैनल थोड़ा सा उठा हुआ है अगर आप फ्रेम की तरफ देखते हो तो यहां पर पता लग जाएगा। इन शॉर्ट दोनों फोन जो है अपने अपने तरीके से कमियां लेकर आते हैं। सिंपल तरीके से बताता हूं, अगर आपको एक बड़ा फोन चाहिए तो यहां पर Motorola बहुत सेंस बनाएगा, अगर आपको एक कॉम्पैक्ट फोन चाहिए तो पिक्सल 7 सेंस बनाएगा। एक और चीज सेंस बना सकती है इस वीडियो को अगर आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करना चाहूंगा, वो है सर्विस सेंटर और कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी से शुरू करते हैं। मैंने नोटिस किया काफी सारे लोग जो है ट्विटर पे बता रहे हैं कि पिक्सल फोन्स का जो मॉडम वो इतना अच्छा नहीं है, और वहां पर जो मोबाइल डाटा से स्पीड टेस्ट करो तो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। अगर मैं डेली में वीको यूज करते हुए दोनों फोन में स्पीड टेस्ट करता हूं तो मुझे भी ये चीज फील हुई है कि पिक्सल्स में बहुत ज्यादा कम स्पीड आती है, तो ये एक टेंशन वाली बात तो है। और अगर सर्विस सेंटर की बात करो तो ऑनेस्टली दोनों ब्रांड जो है आज के टाइम पे इंडियन मार्केट में कहीं ना तो कहीं मुझे नए फील होते हैं। Motorola के पास भी बहुत सारे सर्विस सेंटर तो नहीं है, लेकिन गूगल के मुकाबले तो बहुत सारे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पिक्सल आपका खराब हो जाता है तो सिर्फ एक ही सर्विस सेंटर मुंबई में देखने को मिलता है। इन शॉर्ट आपका पिक्सल फोन खराब हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब डिस्प्ले की बात करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर अलग टेस्टिंग करी है। जैसे कि Motorola की बताऊं तो 6.67 इंचेस की एक P-OLED डिस्प्ले है, जो कि 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आती है, और ये एक फुल HD प्लस डिस्प्ले है। जबकि पिक्सल 7 की बात करो तो 6.3 इंच की डिस्प्ले है, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आती है, और यहाँ पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अब प्रैक्टिकल चीजों की बात करते हैं, आउटडोर विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Motorola जो है 1250 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है, जबकि पिक्सल 7 जो है 1400 निट्स के साथ आता है। बट मैं आपको इतना बता सकता हूं कि अगर आप आउटडोर दोनों फोन को लेके जाते हो तो दोनों बहुत अच्छे परफॉर्म कर जाते हैं। एक और चीज मैंने नोटिस करी है कि Motorola की डिस्प्ले ना हल्की सी ब्लू की साइड रहती है, जबकि पिक्सल 7 की डिस्प्ले जो है थोड़ी सी येलो की साइड रहती है। फिर इसके बाद मैंने Amazon Prime Videos पर ना द वॉइस चलाकर देखा, क्योंकि मुझे पता है उसके कलर्स वगैरह कैसे रहते हैं, तो मैं दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके देख रहा था। मुझे ऐसा फील हुआ कि पिक्सल 7 जो है ना बहुत कलर एक्यूरेट है, और ज्यादा शार्प फील हुआ मुझे Motorola के मुकाबले। Motorola में ज्यादा कलर्स आते हैं, वैसे कोई डाउट की बात नहीं है, Motorola ने ज्यादा प्रीमियम ऑफरिंग करी है डिस्प्ले के अंदर। बट मेरे को एक बात हाईलाइट जरूर करनी है, चाहे 90 हर्ट्ज है पिक्सल 7 के अंदर, स्टिल जो शार्पनेस जो कलर एक्यूरेसी है वो मुझे बहुत पसंद आई है पिक्सल की। वैसे अगर मैं बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूं ना तो Motorola मेरा फेवरेट फोन है। अगर आपने मेरी इसकी फुल वीडियो देखी है ना, आपको पता होगा कि ये बीस्ट है, क्योंकि इसमें 4610mAh की बैटरी है और 125W की चार्जिंग टेक्नोलॉजी, और Motorola बॉक्स में चार्जर भी देता है। ये बात इसलिए बताइए क्योंकि पिक्सल 7 के बॉक्स में चार्जर नहीं है, और ये सिर्फ 20W पे चार्ज होता है। और बहुत लोग कंफ्यूज है कि पिक्सल की क्या चार्जिंग स्पीड है, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके देखते हो तो वहां पर 20W क्लियरली मेंशन है, और पिक्सल में जो है 4355mAh की बैटरी है। और ये जो दोनों फोन है रिवर्स वायरलेस चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। बट देखो सीधी बात ऐसी है, Motorola में 125W की चार्जिंग है, और क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरीके से टेस्ट भी किया हुआ है और बहुत अच्छा बैटरी बैकअप है, मेरे हिसाब से पिक्सल इसको नहीं हरा सकता।
लेकिन एक डिपार्टमेंट है जहां पर मेजर लेवल पे पिक्सल फोन जीत जाता है, वो है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। जो पिक्सल 7 है इसके अंदर पिक्सल यूआई देखने में मिलती है और यहां पर गूगल प्रॉमिस करता है 3 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट। और जो मोटरोला है इसके अंदर MyUX देखने को मिलती है और यहां पर ब्रांड 3 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस करता है और 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर पिक्सल 7 जो है लेटेस्ट मंथ के सिक्योरिटी पैच अपडेट पे, मेरा मतलब पिक्सल जो है अक्टूबर के सिक्योरिटी पैच अपडेट पे है जबकि मोटरोला अगस्त के सिक्योरिटी पैच अपडेट पे है। और यहीं से बहुत सारे पॉइंट्स कट हो जाते हैं मोटरोला के, और पॉइंट्स कट होंगे क्योंकि मोटरोला में एंड्रॉइड 12 है जबकि पिक्सल 7 के अंदर एंड्रॉइड 13 है। और पता है दोनों फोन जो है सॉफ्टवेयर लेवल पे बहुत अमेजिंग फीचर्स लेकर आते हैं, जैसे कि मोटरोला में आप ऐसे करोगे तो फ्लैश लाइट ऑन होना और जब आप ऐसे ट्विस्ट करते हो तो पूरा कैमरा ऑन हो जाता है और ऐसे बहुत सारे फीचर्स है, चाहे वो मल्टी विंडो की क्यों ना हो, यहाँ पर भरे पड़े ऑप्शन मोटरोला के अंदर बहुत अमेजिंग से। लेकिन पिक्सल जो है ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर फीचर्स लेकर आता है और एवरी 3 मंथ जो है पिक्सल फोन के अंदर एक नया फीचर आ जाता है। सबसे क्रेजी और लेटेस्ट फीचर पिक्सल फोन का ना फोटो अनब्लर है। अगर आपकी कोई बहुत पुरानी फोटो है जो ब्लर है तो ये पिक्सल फोन जो है उसको ठीक कर सकता है और ये बहुत अमेजिंग बात है। इन शॉर्ट अगर मैं पिक्सल के सारे फीचर बताने गया ना, ये वीडियो 10 मिनट की बन सकती है सिर्फ फीचर्स के ऊपर। वैसे ना मैं एक चीज नोटिस कर रहा था दोनों फोन को लाइक साइड बाय साइड रख के, अगर मैं एनिमेशंस की भी बात करूं ना, जबकि पिक्सल 7 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आ रहा है, स्टिल इस फोन की एनिमेशंस मुझे बहुत अमेजिंग लगी है। इन शॉर्ट बहुत ऑप्टिमाइज यूआई फील होती है पिक्सल में। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं तो मेरी नजरों में पिक्सल जो है विनर है सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के अंदर। अब आते हैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट के ऊपर, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के अंदर तो क्लियरली मोटरोला जीत जाएगा क्योंकि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 है जो कि लेटेस्ट है। लेकिन स्टोरी कुछ ऐसी नहीं है। जो पिक्सल का टेंसर G2 प्रोसेसर है ना, दोनों जो है अगर मैं कंपेयर करने चाहता हूं तो स्टोरी बहुत डिफरेंट आ रही है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, रॉ परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मोटरोला जीत रहा है, जैसे कि N22 Geekbench जो बेंचमार्क स्कोर्स होते हैं वहां पर बेटर है मोटरोला के। लेकिन अगर आप स्ट्रेस टेस्ट या फिर सीपीयू थ्रॉटलिंग की बात करते हो ना, देखो सीपीयू थ्रॉटलिंग की बात करते हैं, जो जिप स्कोर है ना नो डाउट मोटरोला का ज्यादा है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आज के टाइम पे पिक्सल भी जो है अपने टेंसर प्रोसेसर के साथ स्टेबल हो गया है, क्योंकि जो यहां पर स्ट्रेस टेस्ट आया था उसके अंदर भी स्टेबिलिटी अच्छी दिखा पा रहा है। तो जो हमारा पुराना थॉट प्रोसेस था ना कि पिक्सल फोन हीट करते इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, ये भी स्टेबल चिप्स हो चुकी है। इन शॉर्ट जितनी बातें मैं आप लोग को बोल रहा हूं ना, आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर सेंस बनाएगी, क्योंकि आप उधर इतनी हैवी एप्स रन नहीं करोगे, आपको एक स्टेबल परफॉर्मेंस पिक्सल भी ला कर देगा और मोटरोला भी। लेकिन आपको रियल स्टोरी तब पता लगेगी जब आप हैवी एप्स चलाओगे या फिर गेमिंग करोगे, वहां पर मैं मानता हूं कि मोटरोला बेटर परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर कॉल ऑफ ड्यूटी टेस्ट कर रहा था, आप दोनों फोन जो है लो 120 FPS सेटिंग दिखाते हैं, लेकिन जो पिक्सल है ना वो 90 FPS पे लॉक्ड है जबकि मोटरोला जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाता है। फिर इसके बाद मैंने एक हैवी गेम चलाई जेंशन इंपैक्ट, अब वहां पर जो है मोटरोला बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, थोड़ा सा मैंने देर तक खेला, लेकिन थोड़ी देर खेलने के बाद पिक्सल फोन के अंदर वहां पर फ्रेम ड्रॉप्स मुझे देखने को मिले। सिंपल सी बात है, अगर आप पिक्सल और मोटरोला के फोन के GPU कंपेयर करोगे ना, एनी डे मोटरोला का जो GPU और जो CPU है वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा अगर मैं पिक्सल से कंपेयर कर रहा हूं तो। और अब बात करते हैं मेरे फेवरेट डिपार्टमेंट के बारे में, वो है कैमरा। देखो यहां पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो पिक्सल है ना इसके अंदर टेलीफोटो लेंस नहीं है, बट स्टिल सॉफ्टवेयर का मैजिक और AI मैजिक यूज करके पिक्सल ने अपने आप को कहीं ना तो कहीं टेलीफोटो की कैपेबिलिटीज भी दे रखी है। बताऊंगा क्या है चीज। तो जो पिक्सल 7 है बैक साइड में 50+12 का डुअल कैमरा सेटअप लेकर आता है और फ्रंट में जो है 10.8 MP का सेल्फी कैमरा है, लेकिन जो मोटरोला है वो 200+50+12 का ट्रिपल कैमरा सेटअप लेकर आता है बैक साइड में और फ्रंट में 60 MP का कैमरा है। और ये दो फोन बेस्ट एग्जांपल है जो मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूं ना कि मेगापिक्सल मैटर नहीं करते, इन फोटोज को देख के आपको पता लग जाएगा। दोनों फोन की फोटो साइड बाय साइड देखो, अब यहां पर मैं कॉन्फिडेंटली एक बात बता सकता हूं, जो पिक्सल फोन है ना वो कंसिस्टेंट तरीके से परफॉर्म करते हैं। इनमें जो है हाईलाइट कंट्रोल भी बहुत अच्छा रहता है, हर टाइम जो है कॉन्ट्रास्ट जरूर है लेकिन कलर एक्यूरेसी भी बहुत सही तरीके से मेंटेन करके चलता है हर एक सीन की। जबकि जो मोटरोला आपने देखा होगा कि हाईलाइट्स ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाता और शेडोज को ज्यादातर बूस्ट करता है। इनफैक्ट अगर मैं ह्यूमन सब्जेक्ट की भी बात करूं ना, तो यहां पर स्किन टोन जो है पिक्सल में बहुत अच्छी आती है, नेचुरल रहती है, जबकि मोटरोला जो है स्किन को बहुत सॉफ्ट करने की कोशिश करता है। वैसे मैंने एक और चीज नोटिस करी है, अगर मैं दोनों फोन के अल्ट्रा वाइड लेंस दिखाऊं ना, तो यहां पर मोटरोला बहुत ज्यादा वाइड है, लेकिन जो HDR प्रोसेसिंग है और जो कलर्स है वो मुझे अभी भी पिक्सल के पसंद आए। प्लस मोटरोला में मुझे हेयर एंड देयर फोकसिंग हंटिंग भी देखने को मिली। लेकिन मोटरोला के पास एक बेनिफिट है, वो है मैक्रो लेंस का होना, वहां से आप बहुत क्लोज सब्जेक्ट की फोटोज खींच सकते हो, ये चीज पिक्सल में नहीं है। और अब बताता हूं सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमने हमेशा सुना है कि ऑप्टिकल लेंस जो है ना वो बेटर जूम लेकर आते हैं, लेकिन गाइस पिक्सल 7 ने जो है ना डिजिटली जूम करता है 2x। और मैं आप लोग को दोनों फोन से साइड बाय साइड फोटोज दिखाता हूं, यहां पर फिर से जो है HDR की प्रोसेसिंग और थोड़ी बहुत जो डिटेल्स है वो मुझे पिक्सल में ही बेटर लगी, जबकि इसके अंदर जो है डेडिकेटेड जूम लेंस
है ही नहीं, जबकि मोटोरोला के अंदर 2x ऑप्टिकल जूम है, स्टिल यहाँ पर जो है ना इमेज प्रोसेसिंग और बेटर हो सकती है, खासकर शेडोज फिर से नेसेसरी अप है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अगर आपको देखना हो ना कैमरा कितना अच्छा है तो नाइट सैंपल से सबसे अच्छी तरीके से पता लगता है। अब ये भी साइड बाय साइड देखो, यहाँ पर फिर से पिक्सल ने जो है ना तीनों लेंस से भी अगर आप नाइट मोड में फोटो खींचते हो सब में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, जबकि मैंने रिव्यू के टाइम पे मोटोरोला के बताया था कि यहाँ पर जो है हर एक लेंस के अंदर नाइट मोड बहुत अलग तरीके से परफॉर्म करता है तो कंसिस्टेंसी नहीं रहती। और अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूं ना तो बड़ा ध्यान से सुनना, दोनों में जो है ना ऑटो फोकस नहीं है, फिक्स्ड फोकस रहता है। अब है ना जैसे कि मैं मोटोरोला से फोटो खींच रहा था तो यहाँ पर अगर आप पास से भी फोटो खींचते हो आपको हाथ ज्यादा स्ट्रेच करने की नीड नहीं है, स्टिल शार्प आता है, जबकि पिक्सल का जो फोकस पॉइंट है ना वो दूर है, मुझे बहुत स्ट्रेच करना पड़ता है हाथ को तब जाके मेरी जो सेल्फी है वो शार्प आती है। तो ये कमी मेरे को पिक्सल में फील हुई, लेकिन अगर मैं साइड बाय साइड फोटो जब देख रहा हूं ना तो कलर्स वगैरह और जो ओवरऑल प्रोसेसिंग है फिर से मुझे पिक्सल की ही पसंद आई थी। अगर वीडियो की बात करूं ना, एक और चीज मैंने नोटिस करी है पिक्सल के अंदर कि यहां पर 4K 60 FPS हम तीनों लेंस से रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इस प्राइस कैटेगरी में और कोई फोन नहीं है जो 4K 60 FPS तीनों से रिकॉर्ड कर रहा हो और वीडियो के टाइम पे लेंस भी हम शिफ्ट कर सके, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट लेकर जाता है पिक्सल। वैसे मोटोरोला जो है एक फैंसी रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर सकता है, 8K बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इसमें आप 4K के अंदर लेंस शिफ्ट कर ही नहीं सकते। वैसे मैंने दोनों फोन से वीडियो रिकॉर्ड करी और मैंने पता है क्या नोटिस करा कि यहाँ पर जो बैलेंस आउटपुट है, फिर से बोलूंगा पिक्सल ही यहाँ पर रिकॉर्ड कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो मोटरोला है वो थोड़ा सा कभी कभी शेडोज अप करता है और साथ में सैचुरेशन भी थोड़ी सी अपर साइड रहती है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं भागते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना तो यहाँ पर स्टेबिलाइजेशन इशू मुझे मोटरोला के अंदर फील हुए। और आजकल एक फीचर आ रहा है ना पोर्ट्रेट वीडियो का, वो पिक्सल के अंदर तो देखने को मिलता है, आप बैकग्राउंड में ब्लर कर सकते हो, बट ऐसा मोटरोला में कोई भी फीचर नहीं है। वैसे पिक्सल के अंदर एक और फीचर है स्पीच एनहांसमेंट, चाहे बैकग्राउंड में शोर हो वो उसको खत्म कर देता है अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो। अब मैं फिर से आपको नाइट वीडियो को सैंपल दिखाता हूं, अब यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि फिर से मुझे पिक्सल जो है बेटर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, और खासकर जब बैकग्राउंड में लाइट आई ना वहां पर भी पिक्सल ने सही तरीके से बैलेंस किया। इन शॉर्ट मैं बता रहा हूं वीडियो के अंदर यहां पर मुझे पिक्सल जो है बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखा, चाहे वो फिर फ्रंट वीडियो या फिर बैक। आई नो एक कंपैरिजन देखने के बाद ऐसा साउंड कर रहा होगा कि मोटोरोला बेकार है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर पिक्सल फोन जो है इतना ज्यादा कैमरे के लिए जाने जाते हैं, इनके सच में दी बेस्ट कैमराज होते हैं, कई बार तो आईफोन को बीट कर देते हैं, तो यहाँ पर मोटोरोला को बुरा बिल्कुल भी मत समझना, इट्स लाइक कॉम्पिटिशन बहुत गलत जगह पड़ गया है। तो इसी बात पे कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं कि कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट है। तो देखो यहाँ पर कोई डाउट की बात नहीं है, अगर मैं पूरे फीचर्स देख के चलूँ प्रोसेसर या फिर जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं वो मोटो एज 30 अल्ट्रा ही दे रहा है। ये फोन एक्चुअली में जो है लेटेस्ट हार्डवेयर के साथ भी आता है और कहीं ना तो कहीं अमेजिंग फीचर्स भी लेकर आता है, बस यहाँ पर दो कमियां हैं कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट थोड़ा सा गड़बड़ है और मे बी आपको क्वालिटी कंट्रोल इशू फेस करने को मिल सकता है। और पिक्सल 7 की बात करूं अगर मैं तो इतना समझ लो, अगर आप सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस समझते हो और अगर आपको बेस्ट कैमरा चाहिए तो पिक्सल 7 वहां पर बहुत सही तरीके से परफॉर्म करता है। हाँ, इसमें भी कमी है कि सर्विस सेंटर इतने अवेलेबल नहीं है, वो एक ध्यान देने वाली बात है, ऊपर से चार्जिंग भी जो है इतनी फास्ट नहीं है, हेयर एंड देयर जो है लेटेस्ट हार्डवेयर यूज नहीं कर पा रहे, जो कि पूरा एंड्रॉइड वर्ल्ड खासकर इंडियन मार्केट तो बहुत बड़े बड़े मतलब नंबर्स लेकर आता है, चाहे वो बेंचमार्क्स क्यों ना हो, बट स्टिल पिक्सल 7 की एक अलग फैन बेस है और एक अलग इंपॉर्टेंस है इसकी इंडियन मार्केट में भी, मुझे ये फोन सच में बहुत पसंद है। तो सारी बातें आपने सुन ली है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप कौन सा फोन खरीदोगे, मैं सच में जानना चाहता हूं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।